हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ चार्जिंग सेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन के आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे। तो बेसिकली हम जानेंगे कितने प्रकार के हमारे जैक होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जिंग जैक। उसके बाद चार्जिंग पिन की डिटेल जानेंगे, उसकी पिन कैसे कैसे काम करती है, कितनी वोल्टेजेस आते हैं, कितनी ग्राउंड रीडिंग आती है, उस पिनों की डिटेल, उन पिनों का काम क्या होता है, उन वो पिन किस लिए इम्पोर्टेंट होती है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अगला है हमारा हाउ टू वर्क चार्जिंग सेक्शन। हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है काम कैसे करता है। जैसे अगर हम डाटा केबल अटैच लगाते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज कैसे होती है, वो चीज को हम समझेंगे। उसके बाद जानेंगे हमारी ग्राउंड रेटिंग, जिन्हें हम GR कहते हैं, ग्राउंड से कितनी कितनी वोल्टेज शो होनी चाहिए। उसके बाद जानेंगे हम वोल्टेजेस कि किस किस पे कितनी कितनी वोल्टेजेस आती है, किस पिन पे कितनी वोल्टेज आएगी, इनपुट वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप ऑफ चार्जिंग जैक। तो बेसिकली हमारे फोन जितने भी एंड्रॉइड फोन होते हैं उनमें दो प्रकार के जैक आते हैं। तो पहला जो जैक होता है हमारा USB चार्जिंग जैक कहते हैं, जिसे हम बी टाइप भी जैक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सी टाइप जैक। तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में हम USB जैक के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं हम USB चार्जिंग जैक की पिन की डिटेल्स। तो उसकी बेसिकली हमारी USB चार्जिंग जैक की कितनी पिनें होती हैं, 5 पिनें। तो सबसे पहली वाली पिन जो होती है हमारी, उसे कहते हैं VBUS या तो VCHARGE के नाम से जाना जाता है। उस पे कितनी वोल्टेज इन होती है, 5 वोल्ट। और इसका काम क्या होता है, इसका ही सबसे मेन काम है चार्जिंग, हमारी चार्जिंग को, बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर इस पे 5 वोल्ट इन नहीं होगी तो हमारा जैक काम नहीं करेगा, हमारे बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगली पिन के बारे में जानते हैं डाटा माइनस कहते हैं, जिसे DM के नाम से जानते हैं। ठीक है, डाटा डाटा माइनस और डाटा प्लस DP, इन दोनों का काम क्या होता है, हमारे डाटा ट्रांसफर करने का काम होता है और पोर्ट बनाने का काम होता है। जैसे सॉफ्टवेयर से अगर कोई फोन आया, हमने चार्ज डाटा केबल से अटैच करा, पोर्ट नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, डाटा माइनस और डाटा प्लस की पिन को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी चौथी नंबर की जो पिन आती है उसका नाम होता है नॉट कनेक्टेड, उसको हम क्या कहते हैं, NC। ये बस सपोर्टेड के लिए पिन होती है, इसका कोई काम नहीं होता, बस सपोर्ट करने के लिए होती है। जो लास्ट में हमारी पिन आती है वो होती है हमारी ग्राउंड, जिसपे हमें बीप मिलेगी ग्राउंड से चेक करने पे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम समझेंगे हमारा चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है, हमारी बैटरी जो है वो कैसे चार्ज होती है, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आती है। अगर हमारा चार्जिंग जैक खराब होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, बैटरी कनेक्टर तक वोल्टेज नहीं जा रही है कि आप कैसे चेक करोगे, वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा केबल को हम अपने जैक में इन करते हैं। जैसे हमने इन करा, इन करने के बाद पहली पिन पे जो हमारी VBUS की पिन होगी उस पे हमें कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, 5 वोल्ट। अब वोल्टेज हम कैसे चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पे सेट करते हैं, एक पिन को कर लेते हैं ग्राउंड, दूसरी पिन एक पिन को कहाँ रख देंगे, VBUS पे। तो VBUS पे जब हमने डाटा पे केबल इन कर दी, हमने मल्टीमीटर को VBUS पे रख दिया, एक ग्राउंड पे रख दिया, तो हमें कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रही है तो हमारा चार्जिंग जैक खराब है, तो इसे हम चेंज करेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे हमने चार्जिंग जैक को इन करा, हमने USB केबल लगाई, यहाँ से वोल्टेज इन हुई 5 वोल्ट। फिर हमारी कौन सी IC आती है, OVP IC। OVP IC का काम क्या होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करने का। जैसे कि अगर हमारे अडेप्टर से डाटा केबल से 5 वोल्ट की जगह हमारी 6 वोल्ट आ, 6 वोल्ट क्या आते ही हमारी OVP IC क्या करेगी कि आउटपुट तो 5 ही निकालना चाहिए था, अब 6 आ गई, तो 6 आने का मतलब है ये IC खराब हो जाएगी, हमारी चार्जिंग IC को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो इस लाइन में भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। उसके बाद ये सीधा कहाँ जाती है, चार्जिंग IC पे इन हो जाती है। ठीक है, हमारी इनपुट वोल्टेज कौन सी है, VBUS, जिसमें कितनी वोल्टेज आती है, 5 वोल्ट। अब हमने 5 वोल्ट यहाँ से इन कर दी, उसके बाद चार्जिंग IC क्या करती है, उसे प्योर करती है। ठीक है, उसे कन्वर्ट करती है कितने में, 3.5 से 4.2 तक निकालती है, उसे आउट करती है, उतनी वोल्टेज को बाहर निकालती है। तो जब हमारी आउटपुट निकलेगी उसका नाम क्या होता है, VBAT।
तो अभी वीबेड के लाइन पे भी हमें कंपोनेंट मिलेंगी कोई सीरीज में कोई पैरेलल में, तो जो हमारी वीबेड निकलेगी कितनी निकलती है 3.5 से 4.2, वो कहाँ जाती है सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर पे, बैटरी कनेक्टर की प्लस पिन पे। तो बैटरी कनेक्टर की प्लस पिन पे हम जब चेक करते हैं 20 वोल्ट DC मल्टीमीटर को करके, 20 वोल्ट DC पे सेट करके, तो जैसे हम डाटा केबल को लगाते हैं चार्जिंग जैक पे और चेक करेंगे हम अपने बैटरी कनेक्टर को, एक पिन रखेंगे प्लस पिन पे एक रखेंगे ग्राउंड पे, तो हमें कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए 3.5 से 4.2 तक की हमारी वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर इतनी नहीं मिलती है तो हमारे चेक चेक करेंगे जैक पे, अगर 5 वोल्ट आ रही है मगर आउटपुट नहीं हो रही है तो हम पूरा लाइन चेक करते हैं कहाँ से कहाँ सप्लाई खराब है। इसके लिए आपको बोनियो स्कीमेटिक चाहिए होता है। तो अब हम जानते हैं, अगला जानते हैं हम डाटा प्लस डाटा माइनस। तो डाटा प्लस डाटा माइनस जो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर के लिए और डाटा ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा फोन ऑन ऑन कंडीशन में मगर उसमें लॉक लगा है। ठीक है, अब लॉक तो हम लैपटॉप से ही तोड़ते हैं, QMT के थ्रू तोड़ते हैं। तो जो हमारा कनेक्ट करने के लिए होता है पोर्ट, जिसे हम पोर्ट बनाते हैं, पोर्ट बनाने के लिए हमें डाटा केबल से अटैच करना पड़ता है। तो अगर पोर्ट नहीं बनता या लैपटॉप से कनेक्ट नहीं होता तो हमारी डाटा प्लस डाटा माइनस इसमें जिम्मेदार होगी या खराब होगी, इस पिन को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC में सेट करेंगे, रेड वाली प्रोब को ग्राउंड कर लो, एक प्रोब को इसके पिन पे रखो, कितने से कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए 0.5 से 2.2 वोल्ट तक आनी चाहिए डाटा प्लस डाटा माइनस में दोनों पे। ठीक है, ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जाती है, CPU से कनेक्ट होती है और चार्जिंग IC से। तो देखा होगा जैसे हम अगर किसी को डाटा ट्रांसफर करते हैं या किसी से कुछ लेते हैं किसी के फोन से, तो एक ऑप्शन आता है, वो हमसे परमिशन मांगता है फाइल ट्रांसफर या चार्जिंग होने दो। फाइल ट्रांसफर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो CPU पे चली जाती है हमारी सप्लाई, और CPU कमांड दे देता है कि अब हमारा डाटा ट्रांसफर के लिए बोल दिया गया है। अगर नहीं देते हम कमांड तो चार्जिंग होती रहती है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम, अब जानते हैं हम ग्राउंड रीडिंग, जिसे हम GR कहते हैं। ग्राउंड रीडिंग कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करते हैं, रेड वाली प्रोब को ग्राउंड करते हैं, ब्लैक वाली से जब चेक करते हैं हम अपनी चार्जिंग चेक की पिन को हम VBUS कहते हैं, जो पहली नंबर की पिन होती है, इनपुट वोल्टेज जो होती है हम हमारी, तो उस पे हम जब GR चेक करेंगे तो एक प्रोब को ग्राउंड करेंगे और ब्लैक वाली रेड वाली को ग्राउंड करेंगे, ब्लैक वाली से चेक करेंगे तो कितने से कितने आनी चाहिए 250 से 850 तक के बीच में हमारी GR आनी चाहिए। इसका मतलब हमारा सप्लाई में कोई शॉर्टिंग नहीं है ना सप्लाई टूटी हुई है, इसका मतलब ये होता है। अगर मान लेते हैं हमारा एक आता है चेक करने पे या बीप आता है, तो इसका मतलब क्या है, चेक के ट्रैक में कोई शॉर्टिंग है वरना ट्रैक टूटा हुआ, अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है। तो वैसे ही डाटा प्लस डाटा माइनस के उसमें चेक करते हैं, तो डाटा प्लस के ग्राउंड रेटिंग कितनी आनी चाहिए 250 से 950 तक, वैसे ही डाटा प्लस में भी 250 से 950 तक। उसके बाद आती है हमारी एनसी पिन। एनसी पिन का काम कुछ नहीं होता, नॉट कनेक्टेड होती है, इसमें कुछ भी GR नहीं आता है ग्राउंड से चेक करने पे, ना बीप आएगी ना GR मिलेगा तुम्हें, कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि ये सपोर्टेड के लिए लगाई होती है। उसके बाद हम VBAT, हमारा बैटरी कनेक्टर का प्लस प्रिंट होता है VBAT, जिसे हम VBAT कहते हैं। ठीक है, VBAT में हमें GR कितनी मिलनी चाहिए, जब ग्राउंड चेक करते हैं तो 250 से 850 तक हमें GR मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ना हमारे बैटरी कनेक्टर की लाइन पे शॉर्टिंग है ना हमारे ओपन हो रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम जानते हैं वोल्टेज के बारे में कि हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट करते हैं और जैसे हम USB पिन को इन करते हैं तो हमारी VBAT वाली लाइन, VBAT वाली पिन पे चेक करने पे हमें कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। मल्टीमीटर को सेट करेंगे 20 वोल्ट DC पर, एक प्रोब को रखेंगे हम ग्राउंड पे, एक को प्लस वाली पिन पे रखेंगे VBUS वाली पिन पे, उसमें कितनी वोल्टेज मिलेगी हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, इन होनी चाहिए। उसके बाद डाटा माइनस डाटा प्लस पे हमें कितनी मिलनी चाहिए, सेम प्रोसेस है, एक को ग्राउंड करो एक को चेक करो, 0.5 से 1 वोल्ट तक के बीच में दोनों पे मिलनी चाहिए। किस लिए होती है, डाटा ट्रांसफर के लिए, पोर्ट बनाने के लिए यूज होते हैं।
नॉट कनेक्टेड पे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलती है, 20 वोल्ट पे सेट करने से कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगी क्योंकि वो सपोर्टेड के लिए यूज होती है। अब जो हमारी वी बैट वाली पिन होती है बैटरी कनेक्टर की, तो उस पे हमें कितनी वोल्टेज मिलती है, आउटपुट कितनी मिलनी चाहिए, 3.5 से 4.2 तक ये हमारी आउटपुट मिलनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।